नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे। ये देखिए, ये दो ट्रैक्टर खड़े हैं, महिंद्रा 575 DI XP प्लस और एक ये खड़ा है 575 XP प्लस। तो आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि जो एक 13 के टायर में आता है इसमें, एक 14 के, कि जो 13 के टायर में आता है उसी रिम पर 14 के टायर भी चढ़ सकते हैं क्या, ये पूछा था काफ़ी भाइयों ने कमेंट में कि 13 के टायर है। जैसे ये देखिए आप, ये 14928 के टायर है इसमें, ये देखिए 14928, और ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये दूसरा इसमें है 13 के। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन था जिस भाई ने भी पूछा था कमेंट में। ये देखिए 13628 के टायर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फ़र्क है इसमें। ये देखिए आप, पहले ये जो 14 का टायर है, 14928 का, काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ सड़क पर खड़े हैं। ये इसकी लिखाई है, इसमें दरअसल उल्टी दिखाई दे रही, इधर से उधर से दिखाता हूँ मैं आपको। आज बहुत दिनों में टाइम मिला उस भाई के जवाब देने के लिए, है तो ये भी दोस्तों उल्टी, लेकिन आप इसमें देख सकते हो। ये देखिए ये लिखा है 13x28, 13x28 का मेड इन इंडिया, ये इसका 13x28 का है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, इस पे है ये मानो 14 का टायर है, 14928 का C8 का टायर है। और ये जो है, ये है देखिए 13 का टायर, इसमें मिलेगा आपको 12 का। दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ को है, ये देखिए आप, ये गर्दा हो रहा है थोड़ा सा, ये देखिए 12-28। तो जैसे टायर का साइज बढ़ता है तो रिम का साइज भी बढ़ जाता है। अब अगर आप ये जैसे ये 13 का है, इस पर 14 का चढ़वाना चाहो तो टायर तो चढ़ जाएगा इस पर। लेकिन मैंने इनसे बात की थी, यहाँ पे जो है टायर तो चढ़ जाता है लेकिन दिक्कत होती है उसमें, मतलब वो सही नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा बहुत किसान भाई 265 पे 13 के चढ़ा दें तो वो प्रॉब्लम का काम है, वो सही नहीं रहता, उसमें टायर को नुकसान है, इसलिए रिम ही चेंज करवाना ज़्यादा बेटर है। तो ये प्रॉब्लम ही है, नहीं तो कंपनी खुद वो ही रिम दे देती, इसलिए कंपनी रिम बढ़ा देती है। इसमें ये है 13 के, इसमें 12 का रिम है, 12-28 का, 13-28 का टायर है, उसमें है 13-28 का, ये 14-28 का टायर है, ये 14-28 का है। तो ये था उस भाई के क्वेश्चन का जवाब। अगर आप चढ़वाना चाहते हो चढ़वा सकते हो, लेकिन वो सही नहीं रहता, ये चीज़ मैंने इनसे कंफर्म कर ली अच्छी तरह बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।